हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी हम चल रहे हैं लैब में। लैब में कुछ टेस्ट करने थे, जो कि ड्यूरेबिलिटी टेस्ट, जिसको ओवन में सैंपल रख के आया था। अभी वहां पहुंच के आपको बताएंगे कैसे करते हैं। तो अभी चलते हैं लैब में। तो गाइस, क्या सीन है ना, यहाँ पे धूप उतना आती नहीं है। रूम में कपड़े सुखाओ या इधर सुखाओ, तो कपड़े बिना धूप के नहीं सूखते तो महकने लगते हैं। तो परफ्यूम कौन खरीदे इतना भाई, परफ्यूम देना, परफ्यूम। परफ्यूम कौन खरीदे भाई इतना महंगा, एक दूसरे से मांग के काम चलाना पड़ता है। फिर इस परफ्यूम रहा, ओहो फॉग, दूसरे का है भाई। लैब में पहुंच गए हैं, अब फटाफट करते हैं काम। सबसे पहले ओवन में से सैंपल निकालना है ना, तो उसके लिए मुझे लेना पड़ेगा ग्लव्स। उसके बाद आपको बताते हैं। ये है सैंपल, 18 यूसेज सैंपल। तो आपको बताते हैं फर्स्ट ड्यूरेबिलिटी टेस्ट होता क्या है। ड्यूरेबिलिटी क्या होता है कि ये कितना हमारा ड्यूरेबल है, मीन्स इसको हम कैसे करते हैं। इसको हम 5 घंटे के लिए पानी में डिप करके रख देते हैं। ये अलग अलग रेशियोज बनाया है, किस प्लेस पर क्या है ना, ये डायग्राम बनाया है। मतलब मुझे पता है कौन सा सैंपल कितना रेशियो का है, लाइक 20% GGBS, सोडियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना है। तो इसमें क्या होता है, 5 घंटे के लिए पानी में डुबो कर रख देते हैं। उसके बाद उसको वहाँ निकालने के बाद 72 डिग्री सेल्सियस पर ओवन में रखते हैं 42 आवर के लिए। 42 आवर के बाद फिर इसको निकालते हैं, ठीक है। इनिशियली रखने से पहले भी इसका मेजर कर लेते हैं, इसका वेट कितना है, डायमेंटर कितना, हाइट कितना है। ठीक है, 42 आवर के बाद जब ओवन से निकालते हैं, उसके बाद फिर अब मैं मेजर करने जा रहा हूँ, ठीक है, कितना हुआ। फिर उसके बाद फिर इसको 5 घंटे के लिए रखेंगे वाटर में, ठीक है। फिर उसके बाद 5 घंटे बाद फिर निकाल कर फिर ओवन में रखेंगे। फिर उसके बाद फिर 42 आवर के बाद फिर इसको मेजर करेंगे डायमीटर, हाइट। तो इसमें कितना चेंज आ रहा है, वॉल्यूमेट्रिक कितना चेंज आ रहा है, वही हमारा होता है ड्यूरेबिलिटी। अगर हमारा चेंजेस बहुत कम है तो हमारा मतलब ये चीज़ें ड्यूरेबल ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी है। अगर चेंजेस ज़्यादा है तो ड्यूरेबिलिटी कम है। तो चलिए फटाफट इनको मेजर करते हैं। तो गाइज, मैंने इसका वेट और डायमीटर और हाइट सब मेजर कर लिया हूँ। अब इसको करते हैं पानी में डिप 5 घंटे के लिए। शाम को बच गए हैं 5, बहुत दिन हो गए हैं बैडमिंटन खेले या क्रिकेट कुछ भी खेले हुए, तो आज कुछ गेम खेलने का मन कर रहा है। तो भाई 5 बज रहे हैं, चलते हैं फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, देखते हैं अगर अलाउ करेंगे तो खेलेंगे। क्योंकि एमटेक की टाइमिंग ना बैडमिंटन कोर्ट की है मॉर्निंग में 11 तक है, मतलब 6 से 11 मॉर्निंग में। चलते हैं, ट्राई करते हैं, अगर अलाउ करेंगे तो खेलेंगे। तो चलिए फटाफट रेडी होते हैं बैडमिंटन खेलने के लिए। ये हो गए बैडमिंटन सोच, और ये ले लिया रैकेट, और आईडी कार्ड जरूरी होता है। ये हो गया आईडी कार्ड। अबे क्रिकेट भी खेलेंगे, आ जाना अगर अलाउ नहीं हुआ तो। हाँ आ जाना, लिफ्ट ये जल्दी आया कि नहीं लिया है। तो गाइस, अभी हम लोग चल रहे हैं बैडमिंटन खेलने, पर कॉक कोई अच्छा नहीं था, ये एक फिदर वाला मिला है, तो इसी से खेलने की कोशिश करेंगे। चलो भाई, कोर्ट खाली मिल गया पहला, फर्स्ट कोर्ट। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज नेक्स्ट डे। तो अभी हम लोग चल रहे हैं मेस में लंच करने। बहुत दिनों बाद मेस में जा रहा हूँ, 2 महीने बाद। 2 महीने तक ऐसे ही रहा, बाहर खाते थे, और आज इसका एग्जाम है माइनर। तो इतने दिन से एग्जाम, अच्छा एग्जाम चल रहा है, माइनर में एग्जाम चल रहा है। उसके बाद इसको तो जल्दी पढ़ना भी है, तो मैं तैयारी हो गई। तैयारी भाई, देखो आज एग्ज़ाम है, कल एग्ज़ाम है, परसों एग्ज़ाम है, फिर एक दिन छोड़ के फिर तो भाई मिड है। मिड में पता नहीं क्या तो लगा ही रहता है भाई, मतलब एक महीने के गैप पे। तो गाइज, ये है हॉस्टल का सेंट्रल, मतलब मिडल में सीढ़ी है पूरा। ये देखिए ऊपर तक, ये देखिए उधर हमारे अभिषेक भाई आ रहे हैं। हाय तो कर दो भाई, चलो
तो गाइज अभी लंच करके आ गए, बहुत दिनों बाद मैं इसमें लंच किया। अभी थोड़ा करते हैं रेस्ट, उसके बाद देखते हैं कहाँ चलना है। गाइज मौसम मस्त एकदम प्यारा सा हो रखा है, ये देखिए, चलते हैं कहीं कैंपस में घूमते हैं। तो गाइज बरसात में साइकिल चलाने का अलग ही मजा है, यहाँ पे मस्त एकदम मजा आ गया भाई। ये है बास्केटबॉल कोर्ट, ये स्टेडियम। तो गाइज अगर आपका साइकिल है ना, तो मतलब कॉलेज में कहीं भी घूमने का मन कर देता है, तो मतलब एक बार मन से वो नहीं लगता कि ना जाए, आलस नहीं आती है। साइकिल है तो होता है चलो घूमने चलते हैं, क्योंकि साइकिल से पूरे कैंपस इजीली आसानी से घूम सकते हैं आप, मजा भी आता है साइकिल चलाने में कैंपस में। और अब वैसे साइकिल नहीं था तो लगता था कौन जाए उतना दूर। तो गाइस स्टेडियम में फुटबॉल मैच चल रहा है, और बरसात में फुटबॉल खेलने का तो अलग ही मज़ा है। ये देखिए यहाँ पे फुटबॉल चल रहा है, और इधर रनिंग भी चल रही है, और इधर क्रिकेट की प्रैक्टिस चल रही है। कोई बात नहीं, हम चलते हैं अब हॉस्टल। कब से बाहर निकले थे, साइकिल बनवाने गए थे, तो अब साइकिल लेते हैं मस्त स्वीटी लाइट, और निकलते हैं यहाँ से हॉस्टल के लिए। ये सामने का हॉस्टल जो देख रहे हैं, ये है पीएचडी वालों के लिए हॉस्टल है। मौसम बहुत ही प्यारा है गाइस, बहुत ही प्यारा गाइस। मैं जल्दी कैंपस में घूमने के लिए निकलता नहीं हूँ, बट मौसम अच्छा था ना, इसलिए मतलब अपने आप ही मन बन गया निकलने का, बाकी घूम के तो मज़ा ही आ गया एकदम। तो गाइज आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, एंड चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। गाइज जल्दी ही 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिए, मात्र 45 बचे हैं, तो फटाफट जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं गाइज जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।